तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज की रेसिपी क्या होने वाली है। और दिल्ली में तो बिना गुजिया के होली अधूरी मानी जाती है। ये देख लो कितनी सारी गुजिया यहाँ पे रखी हुई है। मुकेश एक तोड़ के दिखा दे भाई, स्टफिंग कैसी है अंदर की। ओ भाई साहब ये देख लो अंदर माली माल मावा भरा हुआ है और चाशनी भरी हुई है पूरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी रेसिपी देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है, क्या माल मसाला इसमें मिलाया जाता है। तो होली का मौसम आ चुका है और यहाँ पे गुजिया बननी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि होली आए और गुजिया ना बने। तो ये देख लो 3 किलो मैदा के हिसाब से यहाँ पे गुजिया बन रही है। पहले उसका डो लगा रहे हैं, 3 किलो मैदा लिया है। इसमें क्या क्या मिलाएंगे अंकल, क्वांटिटी बताते रहना साथ साथ में। अंकल जी को आप जानते ही होंगे, राम कुमार गौड़ है अंकल जी का नाम। 600 ग्राम घी पड़ेगा। अच्छा 3 किलो मैदा में 600 ग्राम घी, ठीक है ठीक है। ये 3 किलो मैदा में अंकल ने डाल दिया है 600 ग्राम घी, 600 ग्राम घी डाल दिया है। अब पानी देखेंगे, पानी कितना लगाएंगे और इसको कितना किस तरीके से इसको गूंदेंगे। ये भी टाइट रहेगा, ये भी टाइट रहेगा। और पानी इसमें गर्म डालेंगे अंकल, है ना, गर्म ठंडा दोनों मिक्स करके। अच्छा थोड़ा सा गर्म मतलब गुनगुना टाइप का, ठंडा गर्म मिक्स। ये देख लो, और दिल्ली साइड में तो गुजिया के बिना होली अधूरी मानी जाती है। बाकी तो पता नहीं मेरे को, क्यों अंकल सही बोल रहा हूँ ना, दिल्ली वगैरह में तो मतलब होली में गुजिया नहीं बनी इसका मतलब वो अधूरी है होली। जितना ज़रूरी रंग होता है गुलाल होता है उतनी ज़रूरी गुजिया भी होती है। ये देख लो इस तरीके से आपको गूंदना है ये। और घर में आप क्वांटिटी देख लेना, कितनी क्वांटिटी से आपको बनानी है, उस क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना घर में मैदा वगैरह उसी हिसाब से कैलकुलेट करके सारी चीज़ें ऐड कर लेना। और अंकल जैसे घर में किसी को 1 किलो मैदा के हिसाब से लगानी हो तो उसमें 200 ग्राम घी लगाऊं, फिर 200 ग्राम घी टाइट गूंजो, ठीक है। और तो आराम से बनाते रहो, बेल के गोल गोल पूरी जैसे, हाँ बना के उसमें माल भरते रहो, फिर हाथ से गूंदो, अच्छा हाथ से मशीन से बनाओ, ठीक है। हाँ अंकल कह रहे फिर चाहे उसको आप हाथ से गूंदो या मोमोज की तरह जैसे होता है ना, मोमोज मशीन से दो उसको शेप या मोमोज की तरह हाथ से शेप दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ये देख लो, बाकी इसकी स्टफिंग बनते हुए भी देखेंगे किस तरीके से बनाई जाती है। और जैसे शॉप में मिलती है ना वो चाशनी वाली गुजिया, वो देखेंगे आज वो किस तरीके से बनाई जाती है, उसकी चाशनी किस तरीके से बनाई जाती है, कितनी तार वाली उसकी चाशनी बनती है। ये देख लो इस तरीके से इसको गूंद रहे और इसको भी टाइट रखेंगे अंकल समोसे की तरह। हाँ जी हाँ जी, टाइट रहेगा बेकार हो जाएगा, बेल नहीं पाएंगे नहीं भर पाएंगे। अच्छा मतलब टाइट नहीं रहेगा तो अच्छे से ना बिलेगी ना पकेगी, बेकार हो जाएगी, फिर बेकार हो जाएगी, खस्ता नहीं हो पाएगी, खस्ता नहीं हो पाएगी। अगर आपको चाहिए गुजिया खस्ती जैसे समोसे कचौड़ी खस्ते होती है ना, तो टाइट लगाना पड़ता है, इसलिए इसको भी आप टाइट एकदम अच्छे से लगाना, हो गया टाइट इसका मैदा लगना चाहिए। ये देख लो हो गया, ये हो चुका है। अब इसको इस तरीके से अच्छे से अंकल मलेंगे रगड़ेंगे और फिर पन्नी में रख देंगे, है ना अंकल। हाँ जी हाँ जी, ये देख लो ये कर रहे हैं। और अंकल जब फिर पन्नी से निकालेंगे तब भी थोड़ा बहुत इसको मलेंगे। हाँ मल के तब पेड़ तोड़ेंगे ना छोटे छोटे, हाँ यह पूड़ी बनती है। हाँ हाँ पहले बनाएंगे फिर पन्नी से निकाल के इसको अच्छे से मलेंगे, पेड़ी तोड़ेंगे इसी हिसाब से। ये देख लो एक तरीके से दिखा देता हूँ मैं आपको, इतना टाइट आपको ये रखना है, इतना टाइट। हाँ अब इसको पन्नी में रख देते हैं और इसकी स्टफिंग देख लेते हैं, इसकी स्टफिंग किस तरीके से क्या क्या इसकी स्टफिंग में मिलाया जाता है, क्वांटिटी क्या रहने वाली है। तो रख दो अंकल जी इसको पन्नी में। हाँ जी। तो ये देख लो ये हमारा डो यहाँ पे रेडी हो चुका है गुजिया के लिए। अंकल को इसको पन्नी में रखने देते हैं वरना ये टाइट हो जाएगा। अब इसकी स्टफिंग देखते हैं, स्टफिंग में इसकी क्या क्या मिलाया जाता है, क्वांटिटी क्या रहने वाली है। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे रखे हैं विक्रम स्वीट्स में, ये काफ़ी वाइड वराइटीज़ हैं इनके पास समोसे ब्रेड पकौड़े वगैरह की। तो इनका एड्रेस एक बार आपको मैं बता देता हूँ, सामने है गुजरात भवन, ठीक उसके अपोजिट में इनकी शॉप है, जोमेटो में भी ये इनका है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी कैटरिंग वगैरह का भी ऑर्डर ये लेते हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। डो लगाने तक आपने देख लिया था गुजिया का डो किस तरीके से लगाना है, अब इसको पन्नी से बाहर निकाल दिया और देख लो किस तरीके से इसको मसल रहे हैं। अब इसका पेड़ा तोड़ेंगे अंकल, यहाँ पे जो गोलियाँ होती है ना वो तोड़ेंगे। ये देख लो इस तरीके से पहले इसको मसलना है अच्छे से। ये देख लो, और भैया वहाँ पे चाकू से काट रहे हैं और उसको फिर ऐसे मसल रहे हैं, और अंकल यहाँ पे फिर उसका पेड़ा तोड़ रहे हैं ऐसे गोल गोल। ये देख लो इस तरीके से, इस तरीके से ये आपको करना है। पन्नी से निकालने के बाद
चाकू से काटना और अंकल मैदा दिखा रहे हैं, देख लो कितना टाइट, अच्छा ठीक, इतना टाइट होना चाहिए अंकल, लूज हो जाएगी वरना फिर खस्ता नहीं बनेगी, है ना अंकल कह रहे हैं टाइट होना चाहिए मैदा बिल्कुल, वरना खस्ता नहीं बनेगी आपकी। आपने देख लिया था डो कैसे लगाना है, उसको निकालने के बाद ऐसे मलना है और फिर उसके पेड़े तोड़ने हैं इस तरीके से। तो चलिए इन सारों के इनको पेड़े तोड़ मलने देते हैं पहले, फिर पेड़े तोड़ने देते हैं, फिर इसकी स्टफिंग देखेंगे स्टफिंग किस तरीके से बन रही है और क्या क्या उसमें मिला रहे हैं। तो अब गुजिया की स्टफिंग देख लेते हैं, उसके लिए अंकल ने यहाँ पे लिया है 2 किलो मैदा होगा, 2 किलो खोया होगा अंकल, ये 3 किलो मैदे के लिए, 3 किलो मैदे के लिए 2 किलो खोया लिया है और उसको अच्छी तरीके से अंकल ने यहाँ पे तोड़ दिया, मैश कर दिया है। अब मिला रहे हैं बूरा, अब इसमें अंकल इसमें बूरा मिला रहे हैं, ये देख लो, ये तो पता ही होगा आपको, 2.5 किलो एक साल में ये घर में एक ही बार आता है जब गुजिया बनती है घर में, 2.5 किलो आपने भैया 2.5 किलो अंकल आपने बूरा इसमें डाला है, तो 2.5 किलो बूरा डाल दिया है अंकल ने। और ये इसमें डाल रहे हैं किशमिश, एक पाव किशमिश इसमें डाला है, एक पाव काजू, और काजू भी डाल रहे हैं 1 पाव। बाकी ये आपकी घर की इच्छा है, अगर आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं अंकल उसमें, हाँ जितना खाओ उतना मिलाओ, हाँ जितना आपको अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। चिरौंजी, ये अंकल ने इसमें डाल दिया चिरौंजी, डालेंगे 200 ग्राम, ये 200 ग्राम अंकल ने इसमें डाली है, ये देख लो, डालेंगे हम 1/2 किलो बुरादा, नारियल बुरादा, ये नारियल का बुरादा है जो सूखा नारियल होता है ना, वही उसका मतलब उसको अच्छी तरीके से पीस के ऐसा आटा सा बना देते हैं, तो सूखा नारियल का बुरादा आप बोलोगे आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये कितना डाला था अंकल आपने नारियल का बुरादा, 1/2 किलो नारियल का बुरादा डाला था। और ये इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर 3 चम्मच छोटा, ये 3 छोटे चम्मच इलायची पाउडर अंकल ने इसमें डाल दिया जो डिस्पोजल वाले होते हैं ना। तो अब इसको मिलाएंगे अंकल अच्छे से, ये देख लो, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे हम, हाँ खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, चीज़ें इतनी बढ़िया बढ़िया डली हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गया, खोया हो गया, इलायची पाउडर हो गई, ये देख लो इस तरीके से। गुजिया खाने से ज़्यादा मज़ा इसकी ये चीज़ खाने में आता है, गुजिया नहीं खाया तो होली किस बात मनाया, वही मैं कह रहा हूँ, दिल्ली जैसी जगह में तो बिना गुजिया के होली अधूरी मानी जाती है, आगे आगे। तो इसलिए आपके लिए रेसिपी लेकर आ रहे हैं, ये देख लो यहाँ पे अंकल को मिलाने देते हैं इसको अच्छी तरीके से, फिर जब ये स्टफिंग करेंगे, जब ये स्टफिंग बन के रेडी हो जाएगी ना प्रॉपर, तब मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको अच्छे से इसको मिला लेना है, अंकल को मिलाने देते हैं, जब ये मिल के रेडी हो जाएगी तब मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा गुजिया की स्टफिंग रेडी हो चुकी है, खोया, ड्राई फ्रूट्स, बूरा वगैरह इसमें क्या क्या गिरा था वो सारी चीज़ें आपने देख ली थी, बस इसको अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी हो गई गुजिया की। तो यहाँ तक आपने देख लिया था कि डो लगाने के बाद कैसे उसे मलना है और कैसे उसकी गोली तोड़नी है, फिर ये देख लो इस तरीके से भैया उसको बेल रहे हैं, इतनी शेप का आपको उसको बेलना है, ये इस तरीके से हल्का सा मल रहे हैं और फिर उसको इस तरीके से ऐसे बेल के यहाँ पे ऐसे रखते जा रहे हैं। अब आगे का स्टेप आपको मैं आगे दिखाता हूँ अंकल किस तरीके से उसको शेप दे रहे हैं, थोड़ा सा मुझे आगे जाना पड़ेगा उसके लिए, ये देख लो अंकल यहाँ से ये उठाएंगे, ये पानी लगा रहे हैं, पानी अंकल चारों तरफ लगाना है इसके, आगे आगे। ये फिर अंकल ने अंदर स्टफिंग भर दी है, ये स्टफिंग आपने देख ही ली थी, और फिर ये देख लो किस तरीके से उसे बंद कर रहे हैं, ये पूरा बंद होगा, नहीं बंद होगा तो खुलेगा, खराब कर देगा, फिर ये पानी में छोड़ देगा अपनी वो, है ना, खराब कर देगा चीनी तेल को। अच्छा, अब जब दूसरा होगा ना वो देखना आप आराम आराम से, ये तो अंकल ने बना दिया, वहाँ पे भी काफ़ी सारी बनी हुई रखी हुई है, ये देख लो, अब यहाँ पे ये लिया अंकल ने बेली हुई, सफाई बेला कर रहे, ये देख लो, ये चारों तरफ पूरे में पानी लगा देना इसमें और फिर अपने हिसाब से स्टफिंग लेना, ज़्यादा भी मत लेना कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है, और फिर इसको ऐसे अच्छे से बंद कर देना है, पहले आपको बंद करना है शेप उसके बाद देनी है, ये देख लो पहले अच्छे से बंद कर दिया ताकि आपकी स्टफिंग बाहर ना निकल पाए, और फिर अब अंकल इसको इस तरीके से ऐसे मोड़ते जा रहे हैं, ये देख लो इस तरीके से, ये देख लो इस तरीके से मोड़ते जा रहे हैं और ये अपना लास्ट में बन के रेडी है, एक और देख लो फाइनल, ये देख लो लिया, पूरे में ऐसे पानी लगाया और स्टफिंग में दोबारा से बोल रहा हूँ ज़्यादा मत भर देना वरना वो बाहर निकल जाएगी, और फिर ऐसे चिपका देना इसको पूरा अच्छे से,
ताकि आपकी स्टफिंग बाहर ना निकले। ये ऐसे एक चम्मच माल डालना, अंकल कह रहे हैं सिर्फ एक चम्मच ही माल डालना। फिर ये देख लो किस तरीके से मोड़ रहे हैं, ये देख लो इस तरीके से, जो स्ट्रीट चम्मच है उसी से एक चम्मच डालना। अच्छा अंकल कह रहे हैं जो घर में स्ट्रीट चम्मच होते हैं ना प्लास्टिक वाले आपके जो घर में होते हैं, उन्हीं से सिर्फ एक चम्मच डालना और इस तरीके से मोड़ के लास्ट में ऐसे दबा के रख देनी है। तो चलिए अंकल को ये सारी बनाने देते हैं, उसके बाद जब इसको फ्राई करेंगे तब देखेंगे इसका टेम्परेचर क्या रखना है तेल का और कितनी देर में ये फ्राई होकर रेडी हो जाएंगी। तो गुजिया हमारी रेडी हो चुकी है, सारा प्रोसेस आपने देख लिया था, इसके अंदर स्टफिंग भरने का, इसका डो लगाने का, इसको फोल्ड करने का, किस तरीके से इसको शेप दी जाती है। तो अब ये तलने के लिए, फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो भैया इसका बताओगे तेल इसका कितना गर्म रखेंगे? मीडियम गर्म रखेंगे तेल, ना ज़्यादा गर्म ना कम गर्म, मीडियम गर्म रखेंगे। वो कि अपना तेल तैयार हो चुका है, इस तेल में फ्राई करने जा रहे हैं। तो भैया करिए फिर इसको, और आँच कैसी रखेंगे भैया? अभी जीरो रहेगी, अभी बिल्कुल कम रहेगी आँच, जीरो रहेगी। और इसके नीचे भैया कर्ची नहीं रखनी, डायरेक्ट डाल सकते हैं? ऐसे डाले जाएंगे, ऊपर अपने आप आ जाएगी। अच्छा नीचे चिपकेगी तो नहीं ये? नहीं जी। ठीक है ये देख लो, यहाँ पे ये डायरेक्ट डाल रहे हैं और इसके नीचे आपको कर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। और ये देख लो शेप कितनी बढ़िया दी है यहाँ पे अंकल ने, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। और हाथों से बनाई है ये, जैसे हम घर में बनाते हैं ना, हम तो घर में क्या करते हैं वो खांचे से जो होते हैं उनसे बनाते हैं, ये इन्होंने हाथ से बनाई है। वो भी आपने देखा है वीडियो में किस तरीके से करा है। तो भाई इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक कर दिया करो और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, रेसिपी बन रही है नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ तो बताया करो कि हाँ अच्छी थी वीडियो, कैसी थी, जो भी था। और चैनल को भी सब्सक्राइब करा करो। तो ये देख लो सारी ऑलमोस्ट यहाँ पे डाली दी है इन्होंने, ये थोड़ी सी बची है, ये भी डाल देंगे एक ही बारी में डाल देंगे भैया सारी। तो ये देख लो सारी डाल दी हैं। अब भैया इनको ऊपर आने के बाद तेज करेंगे या थोड़ी देर बाद करेंगे? ऊपर आ जाके तो तेज कर देंगे। तो ये देख लो आपको जो इसकी आंच होगी बिल्कुल कम ही रहने देनी है, जब ये ऊपर आएंगी तब आंच आपको हल्की सी बढ़ानी है। तो पहले इनको ऊपर आने देते हैं तब मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद जब भैया आँच तेज करेंगे तब भी दिखाऊंगा। ये देख लो इस तरीके से इन्हें पकने देंगे, ऐसी पकने देंगे ना भैया, ऐसे एकदम कम आंच में फुल तेज में पकेंगी ये। जब ऊपर आ जाएंगी तब ये आ गई ऊपर ही, अब ऊपर आ चुकी है ये देख लो। तो आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, जो आपका तेल होगा वो मीडियम गर्म होगा, ना ज़्यादा गर्म रखना है ना कम गर्म रखना है। और जब आप इसमें अपनी गुजिया छोड़ोगे तेल में डालोगे तो आपको आँच बिल्कुल कम कर देनी है, ज़ीरो कर देनी है। और जब छोड़ दोगे तेल में उसके बाद आपको आँच यहाँ पे इन्होंने तेज करी है, लेकिन घर में आप मीडियम आँच में पकाना इसको। और भैया कितनी देर लगेगी इसे पकने में? वही लगेंगे 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट मतलब 5-6 मिनट एक साइड से, 5-6 मिनट एक साइड से। तो ठीक है इसे पकने देते हैं 5-6 मिनट बाद, जब भैया पलटेंगे इसको दूसरी तरफ से सेकने के लिए। भी रहना है इसको साथ ही साथ। अच्छा साथ साथ इसको पलटते भी रहेंगे? मतलब इसको जैसे कचौड़ी वगैरह पकाते हैं उस तरीके से नहीं करना, समोसे की तरह पकाना है? मतलब एक मतलब लगातार पलटते रहना, पकाते रहना दोनों साइड से, इसकी चमड़ी पक्की होगी और ऐसी पलटते रहना है। ठीक है तो जैसे जैसे ये पकता रहेगा इसको पलटते रहेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जैसे भैया पलटते रहेंगे वो आगे देखेंगे। तो जब तक हमारी गुजिया फ्राई हो रही है इसका चाशनी का देख लेते हैं। चाशनी जैसे आपने दुकानों में खाई होगी गुजिया, जो दुकानों में मिलती है वो चाशनी वाली गुजिया होती है। तो भैया गुजिया के लिए चाशनी अगर घर में बनानी हो किसी को तो किस हिसाब से बनाएंगे? 1 किलो चीनी में 400 ग्राम पानी। अच्छा 1 किलो चीनी में 400 ग्राम पानी डालना है और उसको पकाना है और उबाल के नहीं है, बंद कर देना है और उसका मेल फेंक देना और साइड में मतलब और उसमें डाल देना गुजिया और बन जाएगी। ठीक है तो भैया कह रहे हैं जैसे आप 1 किलो चीनी की चाशनी बना रहे हो तो 1 किलो चीनी डालनी है, उसमें 400 ग्राम पानी डालना है, उसको उबालना है और बंद कर देना अच्छे से मिला के। ठीक है उसके बाद जब आपकी गुजिया फ्राई हो जाएंगी तो आप उसको चाशनी में डाल देना। यहाँ पे तो इन्होंने चाशनी पहले से बना के रेडी करी हुई है। केवड़ा या इलायची डालनी है वो डाल सकते हो। और भैया कह रहे हैं अगर फ्लेवर के लिए आपको चाशनी में केवड़ा जल या इलायची डालनी है तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे इन्होंने हल्की सी इलायची डाली हुई है ना भैया? हाँ जी हाँ जी। ये आपको दिख रहा होगा इसमें हल्का हल्का सा इलायची का वो जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है ना वो आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा, तो इन्होंने इलायची डाली हुई है यहाँ पे। तो साथ साथ में अपनी गुजिया भी पक रही है यहाँ पे, ये देख लो फूल के हल्का हल्का ऊपर आने लग गई हैं ये। और घर में मुझे तो नहीं लगता, जैसे हम लोग होते हैं घर में गुजिया बनाते हैं तो हम बिना चाशनी के ही खाते हैं, लेकिन इस बार ट्राई करेंगे चाशनी वाली गुजिया। आप भी घर में बताना और कमेंट में बताना कैसी बनी है, खाने में कैसी हो रही थी। तो चलिए इसे पकने देते हैं, जब भी इसे पलटेंगे तब देखेंगे। तो ये देख लो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं गुजिया को पकते हुए और भैया इसको पलटते जा रहे हैं साथ साथ। मतलब भैया 2 से 3 मिनट के बाद आपको पलटते रहना है, ऐसे ही करना है ना? इससे क्या है कि सारी एक जैसी पकेगी।
अच्छा सारी एक जैसी पकेंगी, जैसे कई बार होता है ना कोई ऊपर की रह जाएगी कोई, हाँ कोई गुजिया जैसे कोई गुजिया ऊपर होती है तो वो कम पकती है और नीचे वाली ज्यादा पक जाती है, जल जाती है। तो इसके लिए आपको इसको हाथ के हाथ पलटते रहना है हर दूसरे तीसरे मिनट में, ताकि सारी गुजिया बराबर पके, कोई जले ना या कोई कच्ची ना रह जाए। गुजिया में आपको दिख रहा होगा कलर आ रहा है हल्का हल्का सा जैसे जैसे ये पकते जा रही है, और भैया इनको पलटते जा रहे हैं ताकि कोई ज़्यादा ना पक जाए या कोई कच्ची ना रह जाए। ये देख लो कलर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा यार कैमरे में, और सूरज की रोशनी भी पड़ रही है तो उस वजह से भी थोड़ा कलर का डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन सामने से देखने से पता चल रहा है जैसे गुजिया पकने लग जाती है ना लाइट ब्राउन कलर उसमें आने लग जाता है, वैसा कलर इसमें आने लग गया है। तो ये देख लो भैया अभी और कितना टाइम लगेगा इसमें, 2 से 3 मिनट इसमें और लगेंगे। तो ये देख लो गुजिया यहाँ पे अपनी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, बस इसको 2 से 3 मिनट रखेंगे। और भैया आँच ऐसी रखनी है सेम आँच में ही पकाना है इसे, सेम आँच रखनी है तो शुरू से एंड तक आपको सेम आँच में ही पकाना है। घर में आप कोशिश करना मीडियम टू लो के बीच में ही इसको पकाएं, सेम आँच में ही पकाना है। तो 2 से 3 मिनट इसको और पकने देते हैं, जब ये पक के रेडी हो जाएगी और चाशनी में डालेंगे इसको उस टाइम देखते हैं। अब देख लो यहाँ पे हमारी गुजिया ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, और फुलावट देख लो कलर देख लो कितना बढ़िया आया, और भैया ने गैस बिल्कुल बंद कर दिया है। आप भी आखिरी के 1 से 2 मिनट में गैस बंद कर देना, क्योंकि तेल इतना गर्म होता है ना उससे वो सारा सिक जाती है आपकी जो भी चीज़ आप घर में बनाओगे, जो आप गुजिया बनाओगे तेल इतना गर्म होता है आखिरी में जो बची कुची कसर होती है कच्चेपन की वो सारी पूरी हो जाती है। तो ये देख लो हमारी गुजिया, फुलावट देखो कलर देखो कितना बढ़िया आया इनका, तो इसकी जो कसर है वो पूरी होने देते हैं। उसके बाद जब ये निकाल के इसको चाशनी में डालेंगे या थोड़ी देर छोड़ेंगे वो आगे देखते हैं क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होने वाला है। तो गुजिया हमारी रेडी हो चुकी हैं, निकाल दो भैया, और गुजिया रेडी होकर अब ये डाल दिए इन्होंने चाशनी में। चाशनी का आपको बताया था चाशनी किस तरीके से बनानी है, 1 किलो चीनी की चाशनी अगर आप बना रहे हो तो उसमें 400 ग्राम पानी डालेंगे ना भैया। हाँ जी हाँ जी, 400 ग्राम पानी डालना है, उसको पकाना है, आपकी चाशनी बनके रेडी हो जाएगी। वैसे तो घर में आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, आपको चाशनी वाली खानी है या प्लेन खानी है वो आपकी मर्जी है। बाकी हम शॉप में आए हैं तो शॉप के हिसाब से दिखा रहे हैं, क्योंकि शॉप में मिलती है चाशनी वाली गुजिया। मैं उस तरफ आ जाता हूँ एक सेकेंड। ये देख लो इन्होंने डाल दिया चाशनी में, अब इसको इसमें छोड़ेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि अच्छे से चाशनी पी ले सारी गुजिया। तो अब इसको छोड़ेंगे 1 से 2 मिनट के लिए चाशनी में, भी छोड़ सकते हैं जब तक क्या कहते हैं पिएगा नहीं रस जब तक निकालेंगे नहीं। अच्छा भैया कह रहे हैं 1 से 2 मिनट नहीं 5 मिनट भी छोड़ना पड़ सकता है ताकि अच्छे से ये रस पी लें, उसके बाद ही इसको इस यहाँ से निकालेंगे। ये देख लो किस तरीके से दबा रहे हैं, भैया टूटेंगी तो नहीं ऐसे गुजिया? ठीक है, क्या होता है कई बार खस्ता सी बन जाती है ना तो टूट जाती है हल्का सा दबाते ही। इसमें जगह काफी है ना इसलिए नहीं टूटेगी। अच्छा ये बड़ा बर्तन है, बड़ी कढ़ाई है, नीचे चाशनी फूले है ना इसमें, चाशनी कम होगी तब दबाएंगे जब टूटेगी। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे ये अपनी गुजिया बनके रेडी है। चलो इसको निकालने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। घर पे कम मिट्टी खानी है तो डाल के निकाल लो तुरंत, और ज्यादा मिट्टी खानी है तो इसमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा भैया कह रहे हैं अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है ना तो इसमें ज्यादा देर रहने देना चाशनी में, ताकि वो अच्छे से रस पी लें और ज़्यादा मीठी हो जाए। लेकिन कम मीठा पसंद है तो इसमें डालना चाशनी में और तुरंत के तुरंत ही हाथों हाथ निकाल देना, उससे कम मीठी बनेगी, ऐसे ही ना भैया? हाँ जी हाँ जी। तो चलिए इसको करने देते हैं भैया को, ये जब ये यहाँ से निकालेंगे तब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लो भैया कुछ बता रहे हैं, भैया क्या बता रहे हो? ये देखो रस भरने की पहचान, ये देखो अपने आप रस छोड़ेगी दबा के देखो, ये देखो। अच्छा भैया कह रहे हैं जैसे पिलिया इसको निकाल सकते हैं हम, आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि गुजिया ने अच्छे से रस पी लिया, आप उसको दबाओगे तो उसमें से रस ऐसा है निचुड़ेगा गिरेगा उसमें से रस। तो भैया ये हो चुका है, इसको निकालेंगे आप? रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको निकाल दीजिए फिर। तो ये देख लो गुजिया बनके हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, चाशनी इन्होंने अच्छे से पी लिए, ये अपनी गुजिया यहाँ पे देख लो कितनी चमकदार बढ़िया लग रही है दिखने में। तो थैंक्स टू विक्रम स्वीट जिन्होंने हमें बताया रेसिपी किस तरीके से हलवाई की शॉप में बनाई जाती है गुजिया। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।